फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि इसकी 10% एफिशिएंसी जो है वो पुराने वाले जो सोलर पैनल हैं उनसे ज़्यादा है, जबकि मैंने पर्सनली इसको चेक किया है, एक माह ऑनलाइन जो है वो वेरीफाई किया है। बेसिकली इस जगह पे हमारे पास आप देख रहे हैं पीछे कनेडियन सोलर भी लगे हुए हैं, हमने वो वाले सोलर पैनल पहले हाइब्रिड इन्वर्टर पे शिफ्ट किए हुए थे, लेकिन ये वाले जो नए सोलर पैनल हैं ये हमने अब हाइब्रिड पे शिफ्ट कर दिए हैं, दूसरे वाले ऑन ग्रिड पे शिफ्ट कर दिए हैं। इट्स मीन के हमारे जो वो वाले सोलर पैनल हैं वो भी इस हाइब्रिड इन्वर्टर पे चल रहे थे, अब एक माह से ये भी चल रहे हैं। तो इनका डिफरेंस क्या मुझे फील हुआ है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। यकीनन बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो से नाराज़ होंगे, लेकिन मैं हकायक पे बात करूँगा कि इसकी एफिशिएंसी वाकई है या नहीं है वो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। मैं अब चलता हूँ ऑनलाइन ग्राफ के ऊपर। लेकिन इसका बार जो होता था ना, ये सिंगल था, ये देख लें, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना पुराना ये सोलर पैनल है, ठीक है, ये देख लें, ठीक है फ्रेंड्स, ये तीसरा महीना है और इसमें जो ग्राफ है यूनिट डेली जनरेशन का मैक्सिमम जो है वो 43.9 यूनिट पर डे तक गया है, ठीक है। हम सिर्फ एक ही डे को नहीं देखते, हम उससे पिछली भी हिस्ट्री देख लेते हैं, 32, 33 ये दूसरे महीने का है, ठीक है। अब ये सारा माह कैनेडियन सोलर जो है वो चलता रहा, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसको HIMO6 पर, ठीक है। ये हमने चेंज किया 7 तारीख को, आज जो डेट है वो है 2 तारीख, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की। तो अब देखें कि इसकी एवरेज क्या आ रही है, हालांकि गर्मियां आ गई हैं और धूप भी ज़्यादा है, सारा कुछ डे का ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, तो ये देख लें जी 38, 42, 41, ठीक है 42, इससे ज़्यादा तो हमारा जो कैनेडियन सोलर था उसने जनरेट किए हैं, 44 यूनिट जनरेट किए हैं। एक तो दूसरे महीने, तीसरे महीने की बात है, लेकिन चौथे महीने में दुरानियाँ भी ज़्यादा होता है, आज के जो हैं ये देख लें 40 यूनिट है, तो इसलिए मुझे तो इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। बाकी आप ख़ुद फैसला कर लीजिएगा कि हम इतने ज़्यादा पैसे भर रहे हैं HIMO6 के पीछे धड़ाधड़ भाग रहे हैं, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी दूसरे सोलर पैनल दे रहे हैं। भाई मेरा एक छोटा सा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये गलत भी हो सकता है, मैं किसी ब्रांड को चैलेंज नहीं कर रहा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा चाहूँगा।